एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग की है। चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को इस पर जवाब दिया है। इसी ने बताया कि वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती करने लगे तो देश मैनुअल मतदान के युग में वापस चला जाएगा। यह एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने जैसा ही होगा। अब तक चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किसी 5 मतदान केंद्र के सभी वीवीपैट पर्चों की गिनती करवाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले एडीआर की तरफ से दाखिल याचिका और जवाब में चुनाव आयोग के 962 पेज के हलफनामे ने एक बार फिर से इस मुद्दे को ताजा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि असल में ईवीएम के साथ वीवीपैट को लगाने का उद्देश्य क्या है। मतदान के दौरान वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है। कोई भी मतदाता जब ईवीएम के जरिए वोट डालता है तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। पर्ची पर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और नाम छपा होता है जिसे वोट दिया जाता है। यह पर्ची वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। मतदाता इसे देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वोट उन्हें ही गया है।